गया। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? और आज का ब्लॉग भी दोपहर में ही चालू हो रहा है और किरण हमारे लिए निकाल रही है खाना। खाने में क्या क्या है? ये कौन सी दाल है? उड़द की और अपनी नॉर्मल तुअर की, तुअर अरहर, बैंगन आलू की सब्जी और रोटी। मेरा वाला अचार भी खाएंगे और सैलड भी खाएंगे और हम देखेंगे खाने के बाद अपना फेवरेट सीरियल कृष्णा। अनिका ने कुछ गेम्स मंगवाए हैं, वो आ गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसको भी खेलेंगे आज। हाँ। तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ सोया मंचूरियन ग्रेवी, और सोया मंचूरियन ग्रेवी कैसे बनती है दिखाता हूँ। उसके लिए किसी को मैंने कटिंग सेटिंग पे लगा दिया है और कैसा लगता है रोज कटिंग पे? अच्छा खाने मिलता है इसलिए करने आ जाती है। वो तो फायदा है ना कि तुम्हें बनाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा कटिंग ही करनी पड़ती है। हाँ, मतलब वही एक सबसे बड़ा है कि दो फायदे मेरे लिए, एक यम्मी खाना और मेहनत कम। ज्यादा आज कटिंग नहीं है वैसे? नहीं, आज कम है, पर पता है जब से आपने ये न्यू नाइफ मंगवाया ना, मुझे कटिंग में मजा आने लगी और मैं एकदम प्रोफेशनल की तरह काटने लगी। देखो क्या फाइन चॉपिंग किया है मैंने, बस उंगली बचाना है। सही होता है, उंगली बचा के रखना, नहीं तो सारा मजा खत्म हो जाता। नहीं नहीं, उसको तो बचा कर, आदमी हर इंसान जोश में होश खो देता, मैं भी कभी कभी खो देता हूँ, तो वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं, ये तो ऐसा खोते हैं कि इन्होंने एक बार हैदराबाद में जो हमारा वो ग्रेट होता है ना, ऐसे जिसमें एक धार होती है जिससे ककड़ी होती है। 10-12 साल पहले एक बात है, तब नया नया कुकिंग का शौक चढ़ा था। अभी मैं बहुत कम जोश में होश खोता हूँ, पर कभी कभी खो देता हूँ। उसमें वो बताओ ना, ककड़ी छिलने गए, ऐसे करने गए उसके स्लाइस बनाने के लिए और मेरा हाथ ही चला गया। एक अच्छा खासा कटा था, मतलब ये जब आए ना हाथ लेकर, मैं तो मतलब एकदम होश उड़ गए थे वो देखकर। ये तो बेहोश होने वाली थी देख के, पर मैंने डॉक्टर के पास भी नहीं गया, घर पे ही ठीक कर लिया। हाँ, ये बात तो है, हिम्मत है मेरे पास। अनिका लगी है अकेले लूडो खेलने में, उसके साथ कोई खेलने वाला है नहीं। अभी मैं बनाने के बाद फिर तुम्हारे साथ खेलूँगा पक्का। बहुत सारे गेम उसने मंगाए थे, लूडो, चेस और ये डायनासोर और बहुत, हाँ और कई गेम है। तो आज कौन सा गेम खेलना है? लूडो। चलो लूडो खेलेंगे आज, ठीक है? मैट वाला, तो मैट वॉश हुआ है ना, सूखेगा तो फिर खेलेंगे। तो आज हम लोग लूडो खेलेंगे, आपको दिखाएंगे। चलो बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोया मंचूरियन बनाने के लिए सोया को उबाल लेंगे, और ये पानी में उबालने के लिए क्या करेंगे, पानी को थोड़ा सा फ्लेवर कर देंगे जिससे कि सोया जो पानी सोखे ना उसमें फ्लेवर आ जाए। तो 1 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें डाल दिया मैंने, 1 टीस्पून विनेगर, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 1/2 टीस्पून के आसपास नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून। अभी ये मेरा पानी बॉयल होने लगा, इसमें मैं 1 कप, ये 3 कप पानी है और 1 कप मैं सोयाबीन लूँगा, जितना सोयाबीन उसके 3 गुना पानी, ठीक है? तो ये मैं सोयाबीन को इसमें डाल दूँगा और इसको बॉयल होने दूँगा, ये पूरे पानी को पी जाएगी। तो जब तक ये पूरे पानी को पी जाती है तब तक इसको बॉयल होने देते हैं। सो ये मेरा सोयाबीन बॉयल हो गया, ये ऑलमोस्ट पानी ख़त्म हो गया। अब इसको मैं निकाल लूँगा और इसमें मिलाऊँगा 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और इसको करेंगे फ्राई, वो दिखाता हूँ मैं। अभी मैं इस सोयाबीन को फ्राई करूँगा, सारे सोयाबीन को, तेल मीडियम फ्लेम पे रहेगा। तो ये मेरा फ्राई हो गया, देखिए ऐसे। अब इसको मैं निकाल लूँगा और बनाएंगे मंचूरियन ग्रेवी। अभी बनाएंगे ग्रेवी मंचूरियन की, उसके लिए 1 टेबल स्पून तेल, उसमें डालेंगे अदरक 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड, लहसुन 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड, और ग्रीन चिली मैंने 1 लिया, आप तीखा ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा ले लीजिए, और ऑनियन 1 छोटा साइज़ का, मीडियम साइज़ का, इसको फाइनली चॉप्ड। मेरे पास ग्रीन ऑनियन नहीं इसलिए ऐसा ऑनियन लिया है, अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन है ये ऑनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको 1 मिनट सॉटे करेंगे, सब्जी की तरह नहीं करेंगे, जैसे सब्जी में तो पूरा करते हैं ना, इसमें सब्जी जैसा नहीं करेंगे, इसमें बस इसका कलर जब ट्रांसपेरेंट होने लगता है ना तो ये समझ जाने का ये पक गया।
अभी हल्का सोटे हो गया, इसमें डाल देंगे कैप्सिकम, ऑप्शनल है, आपके पास ग्रीन ऑनियन है तो ग्रीन ऑनियन डाल दीजिए। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून वाइट पेपर या ब्लैक पेपर जो भी आपके पास है। सॉसेस में डालेंगे 1 टेबल स्पून लाइट सोया सॉस, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 1 टी स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप और डालेंगे 1 टी स्पून ग्रीन चिली पेस्ट। इसमें डालेंगे 2 कप वेजिटेबल स्टॉक, या आप नहीं वेजिटेबल स्टॉक है तो पानी डाल दीजिए। वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया था एक ब्लॉग में, तो मैंने बना के रखा है। ये 2 कप इसको मैंने डाल दिया। अब इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे। ग्रेवी को 2 मिनट हो गया। अब इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर और 1 टेबल स्पून पानी मिला के बनाया। अब इसको धीरे धीरे डालेंगे और मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, ये ग्रेवी थिक हो जाएगी। और इसको 1 मिनट बॉयल करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसमें जो मैंने सोयाबीन फ्राई किया था ना, उसको डाल दूँगा। और इसको ना तुरंत खाएँगे, इसको अगर लेट करेंगे तो ये सॉगी हो जाएगा जो मेरा ये सोयाबीन है, तो इसको सॉगी नहीं करना है। अगर आपके पास हरी धनिया है और ग्रीन ऑनियन है तो उसको इसमें मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पर मेरे पास वो कुछ भी नहीं है, तो मेरा ये सोयाबीन मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। अभी लॉकडाउन में सब चीज़ें मिलती नहीं है एक्चुअली, और इसका टेस्ट मैंने किया, काफ़ी अच्छा आया है। अब हम खाते हैं, फिर उसके बाद सब लोग बताएँगे कि कैसा टेस्ट आया। तो ये देखिए, मेरी सोया मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। सोया फ्राइड मंचूरियन बोल दीजिए, अगर इसमें हरी मिर्ची डाल दिया लंबा लंबा काट के, तो ग्रीन चिली बोल दीजिए। इसमें अगर ग्रीन ऑनियन डाल देते ना और थोड़ा सारा धनिया, तो इसका तो लुक तो एकदम इतना अच्छा हो जाता है पूछे मत। तो टेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम रहता, टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, पर लुक तो शानदार हो जाता। पर ऐसे भी अच्छी दिख रही है, तो चलिए हम इसको खाते हैं। तो खाना खा के हो गया हमारा, और हमने टीवी भी देख लिया। कैसा लगा तुम लोग को सोया मंचूरियन? बहुत अच्छा, इससे पहले कभी खाया नहीं था और बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्ट। तो आज की रेसिपी जो है सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छी, ट्राई जरूर करिएगा। और खाने के बाद हमारा टाइम हो गया है गेम। आज हम लोग लूडो देखो इस पे खेलने वाले हैं, नया लूडो आया है। और हमेशा हम लोग मोबाइल पे खेलते थे, पर इस पे इसका बहुत सही है, मैग्नेटिक है, देखिए गिरता नहीं है। ऐसे उल्टा भी करो, ऐसे कैसे भी करो गिरता नहीं, मतलब कई किसी का। इसके पीछे चेस है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। विच कलर? ब्लू, येलो, मेरा रेड। ओके, सो हम खेलते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग इससे करेंगे, कौन स्टार्ट करेगा ये डिसाइड करेगा, ठीक है? ओके। तो दो दो मिलेगा सबको, जिसके दो में गिर गया वो स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करेगा पहले मैं। ओके, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। तो मैं स्टार्ट करूंगा। 1 6 से ही खुलता है लूडो, 6 से ही खुलता है। अरे हाँ यार, चेल्लस में तो कैसे भी खुल जाता है। 1 क्या हो गया, कोई स्टार्ट करना तो 1 आने लगा। तो गाइस मेरा 6 और 2 आ चुका है, खुल चुका है मेरा, और इन दोनों का अभी तक खुला ही नहीं है। चलो, ये 6 और ये 4 और मेरी एक गोटी अपने घर में जाने के लिए तैयार हो गई। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत ही बुरा। इतना चिड़ी खाते हो, मैं तो मोबाइल वाला ही लूडो खेलूंगी, उसमें कोई चीटिंग। ईमानदारी से खेला, चीटिंग किधर किया? चीटिंग कब किया मम्मी? किया कभी नहीं किया, ना चीटिंग कभी नहीं किया मैंने। अब हारने वाला ना दूसरे को चीटर ही बोलता है। आ गया समय, आ गया है। मेरी एक काट दिया, मेरी तीनों घर में आ गई, पर एक मेरी जा चुकी है। हाँ, तो इसका मतलब आप जीते नहीं हो। जीत जाऊंगा मैं। किरण का भी एक अंदर आ गया है। यस गाइस, 2-6 मैं जीत रही हूँ आपकी। जीत रही मैं जीत रही हूँ गाइस। 6-6-2 बेबी के 6 और मेरा आया 5 और 5 से ये भी गई अंदर, मेरी 2 अंदर चली गई। अब आएगा 1 एक, एक, एक से किरण को काट दिया और मेरा आया 1 और ये लास्ट गोटी गई अंदर और मैं हो गया विनर। तो दोस्तों ये सेकंड आया है, फर्स्ट तो मैं आई, फर्स्ट तो तुम्हारी है गोटी मेरी उठा कर रखी है यहाँ पर।
पापा पापा जीते पापा जीते पापा जीते गाइस पापा जीते गाइस पापा जीते मेरे को बाहर निकाला है मैं जीत गई नहीं नहीं ये टूर्नामेंट चला की चली एज यूजुअल अभी टाइम हो गया है अनिका के गाना सुनने का। अनिका को बड़ा मजा आने लगा गाना गाने रोज रोज। हाँ, बहुत मजा आती है, बहुत मजा आता है जब लोग डिमांड करते हैं। और आज मैंने सॉन्ग एक्शंस के साथ किया, मतलब ऐसे एक्शंस के साथ। हाँ, तो अभी गाना गा दो। कौन सा गाना गा दी? तो सब्सक्राइबर्स ने कहा था, उन्होंने कहा था कि छोटा भीम वाला सॉन्ग गाओ। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम वाला तुमने पुकारा तो मैं आ गया। अरे मैं सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। भीम भीम की शक्ति धूम जाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम दिल की रंगी खाने की मशीन। हाँ, लड्डू का शौकीन। भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम यारों का है यार, सबका मददगार। सबको बांटे ये प्यार। भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम दुश्मनों को ना जाए। भीम शक्ति ऐसी दिखाए। भीम आया भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। ओके, तो चलिए आज का ब्लॉग अनिका के इसी गाने के साथ ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे कल फिर। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। और तो हम मिलेंगे कल फिर, तब तक खुश रहना है, खुश रखना है, खाते रहना है, खिलाते रहना है। ऐसे ही हम लोग मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग फैंटास्टिक फैबुलस वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।